धरनाला थाना क्षेत्र के तहत ग्राम गड़ा में पिछले दिनों दो मकानों में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में चोर और कोई नहीं बल्कि घर का एक सदस्य ही निकला। चोरी के मामले में एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि जिस घर में दिन दहाड़े चोरी हुई उस घर में उनका भतीजा ही चोर निकला। इसके अलावा पड़ोस में सैन लगाने वाला भी भतीजा ही था। दरअसल कुछ दिन पूर्व गड़ा गांव में दिन दहाड़े दो मकानों में चोरी हो गई थी। इस घटना के बाद परिजनों ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान सामने आया कि महिला का भतीजा राहुल कुशवाहा जुआ खेलने का आदी है, इस वजह से उस पर काफी कर्ज भी हो गया था। जांच के बाद जब पुलिस ने राहुल कुशवाहा से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ही अपनी बुआ और पड़ोस में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.5 लाख रुपए के जेवर और 12,000 रुपए नकदी बरामद कर लिए हैं। कुछ दिन पहले धरनाला थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ा में एक चोरी हुई थी, जिसके अंदर कुछ सोने के जेवरात, सोने चांदी के जेवरात, कुछ पैसे जो है वो चोरी चले गए थे। उसमें मुकदमा पंजीबद्ध करने के बाद में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और फाइनली हम लोगों ने आज एक चोर को पकड़ लिया है, जो बेसिकली जिनके यहाँ पे चोरी हुई थी उन्हीं के यहाँ का भतीजा है उनका, राहुल करके। ये जो है ये अपने पड़ोस के जिलों में जो है जाकर और युवा सत्ता वगैरह खेल रहा था, जिसमें इसके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था। और उसके बाद में जब इसने देखा कि इसके बुआ के घर पर जो है वो पैसा वैसा काफ़ी पड़ा, मतलब सोने चांदी के जेवरात भी पड़े हुए और ईजी एक्सेसिबल है, तो उसके द्वारा जो है ये चोरी कारिज की गई। उनके बुआ के जो पड़ोस में एक बार चोरी हुई थी वो भी घटना इसने स्वीकार कर ली है। पुलिस ने इसमें पूरा के पूरा सामान भी बरामद कर लिया है और सामान बरामद करके आगे उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया। कितने का सामान है सर लगभग? जो सोने चांदी के जेवरात वगैरह है वो 1 से 1.5 लाख के आसपास के कुछ है और साथ साथ में 12,000 रुपये जो है वो नगद बरामद किए गए। सर इसके साथ और कोई संलिप्त चोर वगैरह? अभी तो इसकी संलिप्तता पाई गई है, अकेले में ही चोरी की थी और जो इसने दूसरी चोरी की है उसके बाद पूछताछ कर रहे हैं, PR भी लेंगे, उसमें अगर कुछ जानकारी मिलती है तो उसके हिसाब से हम कार्रवाई भी करेंगे।